कैसे हो दोस्तों। आज थ्रीसम करते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल सभी लोग ये कर ही रहे, ठीक है, थ्रीसम कर ही रहे। तो मैंने भी सोचा ये वाला प्रॉब्लम देख ही लूँ क्या है थ्रीसम में, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि एक नंबर्स का एरे दिया हुआ है, उसमें से हमें तीन ऐसे वैल्यूज निकालनी है जिसका समेशन करें तो वैल्यू हो 0, ठीक है। सो कंडीशन ये है कि सम सेम इंडेक्स का वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने टू सम में किया था उस हिसाब से थ्री सम में भी वही कंडीशन है, ठीक है। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई इज़ नॉट इक्वल टू के एन, जे इज़ नॉट इक्वल टू के, ठीक है। मान लो ये हमारी इंडेक्स है आई जे एन के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि जो भी हमारा सेट बन रहा है तीन वैल्यूज़ का वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी अगर एरे में है, मतलब ऑलरेडी वो सेट अवेलेबल है तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें कि देखो ये वाला जो सेट है ना वो डुप्लीकेट है। यहाँ पे -1, 1 एंड 0, तो ये वाला जो सेट है वो दो बार है, तो इसने यहाँ पे एक ही बार कंसिडर किया है, ठीक है। तो मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए तीन वैल्यूज़ का जो भी हमारा एरे बन रहा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहले तो हमें एक स्टैंडर्ड हमारा वेक्टर्स का एरे ले लेते हैं जिसमें हम हमारे रिजल्ट सेव करेंगे। रिजल्ट, ठीक है, हमें चाहिए सेट जिसमें हमारे सारे यूनिक स्टोर कर सकते हैं, यूनिक ट्रिपल्स। यूनिक, ओके। अभी एक कंडीशन चेक करवा लेते हैं कि थ्रीसम करने के लिए तीन लोग अवेलेबल होने चाहिए। सो अगर लेस देन 3 है तो जस्ट रिटर्न हमारा रिजल्ट जिसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है, थ्रीसम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं सॉर्ट, हमारे जो वैल्यूज़ है उसको सॉर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, तो नम्स डॉट बिंग एंड नम्स डॉट एंड। चलो सॉर्टिंग हो गया। अभी सिंपल बात है, हम हमारा नंबर्स का लूप चला लेंगे, ठीक है। आई लेस देन नम्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करना है, हमारा रिजल्ट करना है, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाते हैं। देखो इसको तुम दो अप्रोच के कर सकते हो, टू पॉइंटर अप्रोच और डायरेक्ट लूप चला के भी कर सकते हो, ठीक है, बट फर्स्ट मेथड से कंडीशन चेक करो ईच एंड एवरी वन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें तीन बार लूप चलानी पड़ेगी। हम यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच के साथ करते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है कि हम दोनों साइड से चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, इस एरे को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, -4, ठीक है, आई का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो मैंने यहाँ से लेफ्ट वाला एलिमेंट लिया फिर राइट साइड का, ठीक है, और उसका वैल्यू चेक करवाया। अगर -3, मतलब हमारा कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे उसका जो समेशन हो रहा है तीन वैल्यू का अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमें राइट साइड से बैकवर्ड साइड पे मूव होगा, ठीक है। और लेकिन अगर लेस देन 0 है तो हम फॉरवर्ड साइड पे जाएंगे। अभी क्यों ऐसा मैंने लिखा है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, तो जो हमारी बिगेस्ट वैल्यू होगी वो लास्ट में होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे आगे होगी, ठीक है। अगर समेशन हमारा इक्वल टू 0 होता है तो हमें उन तीन वैल्यू के हमारे सेट में हम सेव कर देंगे और दोनों साइड से एक एक स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे एक राइट ले लेता हूँ, ठीक है। सो राइट की वैल्यू क्या होगी, हमारा लास्ट एलिमेंट। सो नम्स डॉट साइज -1, ओके, और इंटीजर लेफ्ट। और लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस वन, जो आई के बाद नेक्स्ट वाली एलिमेंट है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करवाएंगे हमारा लेफ्ट इज ऑलवेज लेस देन राइट होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी, हमें समेशन चेक करना है, ठीक है। अभी हमारे पास तीन वैल्यूज है तो हम यहाँ पे सम कर लेंगे। नम्स ऑफ, पहले हमारा आई आ गया, फिर नम्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारा सम, अगर सम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमें राइट साइड से मूव करना है, राइट माइनस माइनस, ठीक है। और अगर हमारा सम का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना है, मतलब बिगेस्ट वैल्यू के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है।
और हमारा सम का वैल्यू सम इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उन तीनों वैल्यू को सेव कर देंगे किसमें, हमारे यूनिक टेम्पलेट्स में। सो इंसर्ट, मैं तीनों वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोमा आ जाएगा और दोनों साइड से हमें मूव करना है, तो राइट ऑलवेज माइनस माइनस में चलेगा, मतलब वो बैक साइड मूव करेगा और लेफ्ट हमेशा फॉरवर्ड की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये चलो कंडीशन हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे इटरेशन दूसरा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अगर हमारा समेशन का वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को मूव करवाया, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रहा है, ठीक है। अगेन वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो कंडीशन क्या होगी, माइनस फोर प्लस ज़ीरो प्लस टू, तो अगेन वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए मूव होता जाएगा और जैसे ही इटरेशन ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा आई मूव करेगा। सो यहाँ पे हमारी यूनिक में सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी उसको हमने हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर्स में, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी लूप चला लेंगे फॉर ऑटो ट्रिपलेट्स, इसमें जब हमारा यूनिक जिसमें है, ठीक है, उसको हमें कहाँ पे स्टोर करना है, हमारा रिजल्ट वेक्टर में। सो रिजल्ट डॉट पुश बैक, हमारा ट्रिपलेट्स, ठीक है, इसको रिटर्न कर दो रिजल्ट को। अभी इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे नम्स आएगा, ओके अभी रन करते हैं अगेन। चलो सॉल्व हो गया, ठीक है, दोनों केसेस तीनों केसेस पास हो गए। सबमिट करते हैं इसको, आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब रन टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 1132 मिली सेकेंड ज़्यादा है। इसको आप ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि आप डुप्लीकेट्स इग्नोर करवाओ, ठीक है, डुप्लीकेट हमें कंसिडर ही नहीं करना है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अब मैं जैसे मैंने बताया फॉर लूप आप चला सकते हो, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैंड बजा देगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3000 तक की वैल्यूज आ सकती है। अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर हमारा एक लूप 3000 बार घूमेगा, तो 3000 × 3000 × 3000, तो आप देख सकते हो कि हमारा लूप ओवरऑल कितनी बार चलेगा। सो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी अगर मैक्सिमम हमारा 3000 तक नंबर आए, तो मिनिमम आ सकते हैं, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, सो हम वो अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते हो। आइदर आप टू पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हो और उसमें आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, डुप्लीकेट्स वैल्यू इग्नोर करोगे जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। सो ये कंडीशन से ये बेसिक एकदम इजी सॉल्यूशन है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है कि थ्री सम करने के लिए थ्री लोग अवेलेबल होनी चाहिए हमारे एरे में, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ थ्री सम प्रोग्राम, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इन नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।